जंगल में मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने दो बाघ देखे, दो बाघ वहां से चले गया ऊपर को, देखो देखो हाँ उधर चल गया आगे यार नीचे है वो, ये देखो हाँ हिरन है हिरन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए कैंपिंग ब्लॉग में। दोस्तों आज हम हैं रिची वाले जंगल में, जहाँ पर हमने आपको काफी पहले अब एक ब्लॉग बनाया था हमने रिची साइड में, जहाँ पर हमको टाइगर विजिट हुआ था, और उसी जंगल में आज हम फिर अपना एक कैंपिंग ब्लॉग मतलब दूसरी साइड में हैं उसी जंगल में, उससे काफी दूरी पे हैं। और इस साइड में हमें लग रहा है कि आज शाम को हमको टाइगर हाइगर जो बाघ हो गया और कोई जंगली जानवर मिल सकते हैं, और आज हम यहाँ पे ग्रुप कैंपिंग करने वाले गए, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कैंपिंग ब्लॉग। यहाँ का सुबह का मौसम आपको सुबह मॉर्निंग में दिखा, क्योंकि अभी हमें लेट हो चुकी है काफी, तो फटाफट अपना टेंट पिच करते हैं और फिर मिलेंगे आपको। दोस्तों हमारा टेंट पिच हो चुका है, आप देख सकते हैं अभी। और अभी हम क्या करते हैं ना, पहले फटाफट लकड़ियां लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है रिची में। आपको पता है कि ठंड ना रिची में बहुत ठंड होती है, और अभी हो सकता है कि हमारा हफ्ते 10 दिन या 15 अगर बर्फ होगी तो यहाँ बर्फ भी गिर सकती है। तो पहले फटाफट लकड़ियां लेके आते हैं और फिर जाके अपने आग जलाएंगे, फिर बनाएंगे वहां पर चाय अच्छी सी। तो पहले चलो लकड़ी लेके आते हैं। हाँ हिरन है हिरन, चलो चलो आगे चलो आगे चलो। दोस्तों हम लकड़ी लेने आए यहाँ पे, और यहाँ पे ये हिरन ही है शायद, मुझे लग रहा है एक कान खड़े कर रखे उसने। वो देखो देखो तो हाँ वो देखो दोस्तों, देखो बारहसिंगा है, पास में जा सकते हैं क्या? वो मतलब आंखें चमक एक बार, हाँ ये देखो देखो दोस्तों आप आंखें चमक रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक मेरे उंगली के सामने आंखें चमक रही है। हाँ बैठा हुआ है यहाँ पे, बैठा हुआ है हाँ, साफ दिख रहा है एकदम। तो चले आगे, हाँ उठ गए खड़े हो गए हम, और चले गए नीचे को। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं नीचे देखने जा रहे हैं, और हमारे मंटू भाई हो गए और हमारे पंकज भाई यहीं पर था, जो ये था यहीं पर बैठा हुआ था, उसकी आंखें बहुत चमक रही थी एकदम। हमने देख लिया कि दूर से कैमरे में उतना नहीं आ गया, लेकिन उसकी आंखें जो है आई थी। इस साइड में नीचे को चला गया, क्योंकि इस साइड में काफी झेड़ियां हैं। भाग गया भाग गया, इस जंगल में मतलब की बारह सिंह है, तो मतलब हर कोई जानवर मिल सकता है यहाँ पे तुम्हें। ये लकड़ियां हम काफी दूर आए हैं, हमारे अपने कैंप से काफी दूर आए हुए हैं, और रिस्क भी है यहाँ पे जहाँ पे हम आए हैं, तो इतना बहुत है ना। चलो फिर हाँ ये लो, बस और आने दो, कोई गाड़ी तो नहीं आएगी ना सामने, क्योंकि चौड़ी काफी है ना। चलो हाँ आपको पकड़ लो ना मैं, हाँ हाँ चलो बस भाई थोड़ा चौड़ाई का रास्ता देख, हाँ दोस्तों अभी हमने चाय पी ली है, और अभी ना यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना थोड़ी सी मछली के पकौड़े बना ले यहाँ पे, उसके बाद फिर जाके मछली की तरी बनाएंगे रोटी के साथ। तो ना पकौड़े बनाते हैं मछली की। मंटू भाई आज कौन सी मछली की पकौड़े खिला रहे हो आप? भाई साहब सिंगल कांटा मछली खिलाएंगे आपको हम। अच्छा आपको सिंगल कांटा मिलेगा ये, और मछली आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत है। वाह भाई लाल उनको, आपने मिर्ची पहले ही घुमा के रख दी इसमें शायद ना, थोड़ी भुनी हुई मिर्ची डाल रखी है ना, तो इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा जाता है। बहुत बढ़िया भाई, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम पहले थोड़ा सा इसमें हम बेसन डालेंगे, हाँ ताकि ये थोड़ा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। बेसन डालते पूरा ना, 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 मजा नहीं आता इसमें, क्या डाल रहे हो मछली में? ये बेसन डल रहा है इसमें। आज तो हम मोंटू भाई के हाथ की खाने वाले मछली पकौड़ी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम। किस पकौड़ी खाएंगे मोंटू भाई के हाथ की? सिंगाड़ा मछली है, आपको मजा आ जाएगा इसको खाने में। कुछ पहाड़ी हमारे मसाले हैं ये। अच्छा ये पहाड़ के अलग स्पेशल मसाले हैं क्या? ये पहाड़ के मसाले हैं। अच्छा इसमें कुछ अलग नए कुछ खास हो गए हैं? ये हमारा थोड़ा सा धनिया पाउडर आ गया है। अच्छा पहाड़ का कुछ स्वाद अलग ही होता है।
फिश जो है हमारी अच्छी तरीके से ये मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसको तेल में फ्राई करना है। आप एक बार मच्छी खा के देखो, मच्छी के पकौड़े, आपको मजा आ जाएगा। हो जाएगा तेल, हो जाएगा तेल, थोड़ा और डाल लो, कोई बात नहीं, वो बाद में हम फिश करी में यूज कर लेंगे। मोंटू भाई यहाँ नीचे है वो? हाँ यहाँ नीचे है शायद यार, ये शायद मेरे को लग रहा है बाट सिंह है जो हमको दिखाता है। रख ले ये आपको पहाड़ी भाषा में इसको काखड़ बोलते हैं शायद, उसकी आवाज है जी। हाँ आवाज भाई। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी अभी अपना आपने आवाज सुनी होगी, यहाँ पे बारह सिंह जड़िया मतलब हिरन, ये जंगली जानवर जो भी है, और मुझे लगा इसके पीछे कुछ पड़ा है और वो बहुत चिल्ला रहा है यहाँ पे, आप सुन सकते हैं अभी। ये अभी जो है भाई? जो जानवर अभी है यहाँ पे हम जो जिस जानवर की आवाज आ रही है, हाँ ये जानवर लग रहा है कि इसने कोई लेपर्ड वगैरह देख लिया हो। हाँ देखा, खतरा महसूस हो रहा हो। बिल्कुल, अगर खतरा महसूस हो रहा है तो ये एक दूसरे को चेतावनी देते हैं कि यहाँ पे हमारे को खतरा है तो हमें यहाँ से दूर चले जाना है। तेंदुआ जो है इनका शिकार करता है और इनको मार देता है, तो इसलिए ये चेतावनी देते हैं कि यहाँ पे लेपर्ड है, यहाँ से भाग लो। तो फटाफट पहले यार यहाँ पे ना बहुत ठंड भी है और बहुत डर भी है यहाँ पे। अरे बन गई पकौड़ी, बन रही है पकौड़ी, लेकिन यार फ्राई हो रही है अच्छी खासी। छोटी वाली मछली नहीं है इसके नीचे। हाँ, वो लानी पड़ेगी, हमें लानी पड़ेगी, हमें फिर से जाना पड़ेगा, दोबारा जाना भाई। क्या ये तुम्हें बताया अभी? ये वहाँ नीचे जंगल में मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने दो बाघ देखे, मैं तो नहीं जाने वाला पत्नी अकेले, क्योंकि दो बाघ मुझे रास्ते में दिख गए भाई। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ बात हुई, मैंने बोला था ना आपको। हाँ अभी यहाँ बोला था, मुझे लग रहा है ये स्पीड में आ रहे थे। हाँ भाग के आए थे, और हम कुछ लेके भी नहीं आए, तुमने मुझे बोला था कि लकड़ी लेके आनी है, हम इसके लिए लेके नहीं आए। वाओ ये तो पकौड़े अच्छे बन गए। वाओ मोंटू भाई, आज तो मोंटू भाई मतलब खिलाने वाले हमको मछली पकौड़ी। कैसे हो रहा है ये देखिए, बिल्कुल करारा हो रहा है, और मैं तो अपने भाई का मुरीद हूँ। करी बनाता है ये देखो, बहुत अच्छे बना रहे हैं, कितनी सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया, वाह बेहतरीन। मैं तो बहुत पहले ही खा चुका हूँ, और कभी आप जो हमें ज्यादा ही प्यार दे देगा, कभी आप आइए हमारे गाँव रिची में आइए, मैं आपको इससे भी बेहतरीन भाई हमारा है गजब बनाता पकौड़ी, बहुत गजब बना दिया हमारे भाई। अभी देखो मेहनत करते हुए, और अभी भी मेहनत कर रहा है हमारे लिए, तो हमने हमारा काम है सिर्फ बैठ के खाने का। पंकज भाई कैसे लग रहे हैं आपको? बड़े मस्त लग रहे हैं, बहुत मजा आ गया मछली के पकौड़े में। जिस से मच्छी बनी हुई है, कलर से पता चल रहा कि टेस्ट लेते हैं। राहुल भाई को भेजो साथ में, राहुल भाई को धुआं लग रहा है, काफी भाई लोगों ने खा लिया, सबको टेस्ट अच्छा लग रहा है, मजा आ गया, हम तो इतने में ही खुश हैं। लेकिन हमारे जो कैमरामैन हमारे बबलू भाई हैं, अगर वो अगर एक बार पीस खा लें, हाँ जी, तो उनका अनुभव भी मैं जानना चाहूंगा कि उनको कैसा लगा, उनको कैसा लगा, क्योंकि वो अभी भी हमको कैप्चर करने में हुए हैं, इतने ज्यादा बिजी लग रहे हैं, खुद नहीं खा भाई प्रोग्राम का, क्योंकि एक बार लकड़ी लेने के थोड़ा जलाव भी किया था और थोड़ा बाकी गुर्राहट भी आ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, उनको थोड़ा सा मुझे लग रहा है मोमेंट एक बार मछली खा ले तो उनको लगेगा कि मॉल में बढ़िया हो रहा है। ठीक है मैं खाता हूँ, भाई लोगों को जिनके मुंह में नहीं लगे लकड़ी कहाँ मिली, मिल गया बाघ लेपर्ड इसी पल्ले वाले ग्राउंड में एक बार हम क्रिकेट खेल लेते हैं, वो बोलते हैं यार इसको, वो कुछ और नाम बोलते हैं ना, सुमारी बोलते हैं भाई। हाय हाय दीपू भाई, दीपू भाई ये हमारे दीपू भाई शहर में अच्छी तरह हां ये अपने अपने दारों के लिए रोंडो के लिए यार तो भाई नहीं तो कौन, तो भाई को ठंडा तो लग रहा है यहां पे, बहुत ही है ना, इसमें बहुत ठंडा है। हाँ इस आग के आगे आ रहा हूँ तो गर्मी लग जा रही है, देखो कभी उड़ रहा है, हवा बहुत है भाई, हर तरफ हवा घूम रही है यार, तो थोड़ी देर टेंट में हुआ था यार। पप्पू भाई जो अभी कह रहे थे कि हम आपको बताएंगे यहाँ बहुत खतरा है और आप ध्यान से करें, और वो खुद ही सो गए हैं अभी। 12 बज गए, आ लेट हो चुके हैं। बबलू भाई रोटी देखो कैसी बन रही है, ठीक बन रही है ना? बहुत बढ़िया बना रहे हो यार आप तो, पूरा मतलब बिल्कुल ऐसे चक्की चला रहे हो तो यहाँ पे चकले में ही गोल एकदम। ये अरे हाय हाय।
रोटी बना दी हमने। पंकु भाई कैसा लग रहा है? जलकी रानी मजा आ रहा है। और भाई लोगों कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बेहतरीन, लेकिन हवा पापा ठंड बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड है यार। सही में प्लेट में लगती है ठंडा हो गया सामान, इसके अंदर बिल्कुल जगह नहीं हो पा रही सोने की। तो ऐसे घुसे हैं सभी लोग, तो मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग में। सभी लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट। तो दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय। ओ भाई और सुअर आ गए बाहर। सुअर भाई आवाज आ रही है किसी से? बाहर मत जाना, बाहर मत जाना। यहाँ से आ रही थी आवाज किसी से? चलो ये तो मजे ले रहा था, इसको क्या पता, इसको नहीं पता। हमें भी नहीं, हाँ हर चीज मजाक थोड़ी नहीं होती है, मजाक यार भाई, इस चीज मजाक नहीं होती है। हाँ यार कह रहा हूँ, आवाज कैसे निकाल रहे हो? बहुत आवाज तुरंत हमारे वो हो गए। हाँ हम आवाज आ गई ना, ना भाई ये जंगल बड़ा है यार, बहुत बड़ा जंगल, बहुत तगड़े जंगल है ना। नींद भी नहीं आएगी भाई, अब तो सोना तो पड़ेगा ही यार। ये है कि हमारे ये नाइट कैसे भी कट जाए यार। ठंड हो रही यार बहुत बाहर, तो कैसा हो रहा है बाहर? बहुत धूप जाए ना, आने वाली होगी। चलो भाई साहब, ना तुम्हारा हुआ भाई। धूप तो आई नहीं, अभी ठंड होने लग गई, अब आने वाली है धूप, अब मजेदार वाली। दोस्तों आप सभी लोगों को सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग, और हमारे भाई लोग अभी सोए हैं दोस्तों। ठंड बहुत है भाई, लेकिन ठंड बहुत ही, हवा कितनी तेज चल रही थी। क्या बोलते हैं रिची का डन में ठंडा होता है, क्या बोलता था? हालत खराब कर दी रात को यार भाई। ये तो सोए थे, इनको तो पता भी नहीं लगा, नहीं बाद में पता चल गया था उनको भी। चला पता ऐसा लगा ना आवाज कुछ है। हाँ ये तो है, भाग जाते हैं बिल्कुल। चाहे चला लो फिर, रोड कटी है करके नीचे गई तो 12 किलोमीटर पड़ता है, इतना वो है, इतना शॉर्ट है, आधे शॉर्ट है बेतालघाट के लिए। सूर्यदेव आ गए हमारे फील्ड में यहाँ पे, और ना अब जाके थोड़ी सी राहत मिलेगी, पीठ हो गई है ठंडी बिल्कुल। ओ सूर्यदेव को प्रणाम, मॉर्निंग में डालते हैं फिर इसमें। भाई देखो गुड मॉर्निंग। अरे उठ गए, अब उठ गई नींद। गुड गुड, आ जाओ फिर, आ जाओ चाय पीते हैं। अच्छी नींद आई है मतलब कैंप में ना। आ जाओ आ जाओ। एक बार तो ऐसे लग रहा था जब सुअर आए थे जूते पे। हेलो भाई। हाँ यार वैसे नींद आएगी नहीं आएगी रात को, धूप भी बड़ी प्यारी खिली है। जूते वगैरह पहन लो, बनने वाली है। जूते वगैरह पहन लो अपने भी। लो भाई बाकी मजा आया, मजा आया ना भाई, पूरी बढ़िया नींद थी। हाँ बिल्कुल, और मंटू भाई को भी पूरा रॉयल बैट। ठंडा हुआ शाम को? ठंडा हुआ था, ठंडा हो गया तुमको? फर्स्ट नाइट है तुम्हारी जंगल में,
हिमालय का व्यू देखता हुआ। तो दोस्तों आज का कैंपिंग ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, जो चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपके नए कैंपिंग ब्लॉग में, तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। Bye bye. Bye bye. Bye bye. घर को